کلام پیش کرنے سے قبل، کیونکہ وقت بالکل نہیں ہے تمہیدی گفتگو کا، اس لیے بس اتنا عرض کیے دے رہا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ ہمارا اسٹیج ہمارے رہبران حضرات سے بھی سجا ہوا ہے، اور معزز شعراء کرام ہیں اور مومنین کرام ہیں. ایک مصرع تارا کا سماعت فرما لیں. صاحب نظر حضرات ہیں، پیش خدمت کیے جا رہا ہوں خصوصی طور سے، اور اس میں ایک مطلع اور دو چار شعر، اس کے بعد پھر ایک کلام کے دو چار اشعار پیش خدمت کیے جا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے سرکار، ملاحظہ فرمائے مصرع سماعت فرمائے. کب لوگ آبا مصرع سننے طرح کا کہ پیمبروں کو زمین پر اتار لیتے ہیں. آپ حضرات کی سماعتیں بیدار ہیں، اس لیے پیش خدمت کیا جا رہا ہوں. ابھی نعرہ حیدری کے سلسلے سے آواز دونوں طرف برابر نہیں اٹھی، اس لیے آپ بلند آواز میں نعرہ حیدری لگائیں تاکہ محسوس ہو کہ آپ کو سننا چاہتے ہیں. سنیں گے بھیا. دفعہ میں سرکار مطلب خصوصی طور نہ چلاؤں. جب مشکلوں میں علی کو پکار لیتے ہیں، جو مشکلوں میں علی کو پکار لیتے ہیں. ملاحظہ فرمایا ثانی مصرع، جو مشکلوں میں علی کو پکار لیتے ہیں، وہ ڈوبتی ہوئی کشتی ابھار لیتے ہیں، وہ ڈوبتی ہوئی کشتی ابھار لیتے ہیں، جو مشکلوں میں علی کو پکار لیتے ہیں، وہ ڈوبتی ہوئی کشتی ابھار لیتے ہیں. ملاور میں صاحب نظر شیر، یہ عالم کو لے کے وہی بھاگتے ہیں میدان سے، عالم کو لے کے وہی بھاگتے ہیں میدان سے، جو آستی کو چڑھا کر اتار لیتے ہیں، جو آستی کو چڑھا کر اتار لیتے ہیں، علم کو لے کے وہی بھاگتے ہیں میدان سے، جو آستی کو چڑھا کر اتار لیتے ہیں. بلال صاحب شعر سنیں، سرکار ملا فرمائیں گے. یہ شعر سے پوری توجہ جاتا ہے خادم شبیر ملا فرمائیں. جو آستی کو چڑھا کر اتار لیتے ہیں، نہیں وہ جاتے کسی بادشاہ کے در پر، علی کے در پر جو دامن پسا لیتے ہیں، علی کے در پر جو دامن پسا لیتے ہیں،
नहीं वो जाते किसी बादशाह के दर पर, अली के दर पर जो दामन पसार लेते हैं। और हमारा ये भी शेर मुआफ़ हमारा ऐसा है कुछ राबता मुसलमानों, कहीं भी हम अली को पुकार ले मुलाजा फरमाएंगे, कहीं भी हम अली को पुकार ले ते हैं। कहीं दुरूद भेजे दुरूद एक सहारा मिलता है दुरूद सुनना हूँ सचा सुनेंगे, कहीं भी हम अली को पुकार लेते हैं। बिलाल साहब का हुक्म है तो शेर पेश खिदमत किए दे रहा हूं कि नहीं वो जाते किसी बादशाह के दर पर, अली के दर पर जो दामन अली के दर पर जो दामन पसार लेते हैं। मुलाजा में उसके बाद चंचेर और पेशे खिदमत करने मुलाजा फरमाएंगे, मिसा सुनिएगा उसके बाद चंचेर मुलाजा फरमाएंगे। लाल साहब सुनिएगा शेर, अली के दर पर जो दामन पसार लेते हैं, कहा ये अजरक शामी से रंग का निगाह मिलते ही हम सर उतार ले। कहा ये अजरक शामी से रन कासिम ले निगाह मिलते ही हम सर उतार लेते हैं, निगाह मिलते ही हम सर उतार लेते हैं। कहा ये अजरक शामी से रंग में कासिम ले निगाह मिलते ही हम सर उतार लेते हैं। मिसा सुने कि कुछ इस तरह के नज़र कर रहा हूँ मिसाल आज़ाद की खिदमत में खुसूसी तौर से, कुछ इस तरह के इमामों के होते हैं सजदे, कुछ इस तरह के इमामों के होते हैं सजदे, पयंबरों को जमीन पर उतार ले जमी पर उतार ले
रहते हैं जो मुश्किलों में अली को पुकार लेते हैं, वो डूबती हुई कश्ती उभार लेते हैं। बस तीन शेर और एक मिसा समाचार में, ये हुसन इत्तेफाक की लखनऊ का है मिसा, चार रबी अव्वल का आगा हुमियो साहब क्या के मसाल में क्या कि मिसरा है, जाने जहरा ने किया है तह खंजर सजदा, जाने जहरा ने किया है तह खंजर सजदा। अगर मुलाजा फरमाया मतलब खुशूरी तौर से नज़र कर रहा हूँ, दुरुद भेजें दूर देख सहारा होता है। कौन सा पढ़ रहे थे भैया? हाँ याद तो दिलाई, कोई लफ्ज याद दिला दीजिएगा। मुलाजा फरमाया दुरुद भेजें था, दुरुद भेजें एक बार मुतबा। मुलाजा फरमाया मतलब पेशे खिदमत कर रहा हूँ, मुलाजा साहब ये मतलब सुनिए। सुबह आशूर किया इतना उजागर सजदा, सुबह आशूर किया इतना उजागर सजदा। सानी मिसा सुनेंगे, सुबह आशूर किया इतना उजागर सजदा, बंदगी करती है अब शाह के दर पर सजदा। कहा बंदा थक चुका क्या? बंदगी करती है अब शाह के दर पर सजदा, सुबह आशूर किया इतना उजागर सजदा, बंदगी करती है अब शाह के दर पर सजदा। शेर मुलादा फरमाए कि काबिले रश्क तेरा सजदा था ऐ मेरे इमाम, देखता रह गया हर एक पयंबर सजदा। देखता रह गया हर एक पयंबर सजदा, काबिले रश्क तेरा सजदा था ऐ मेरे इमाम, देखता रह गया हर एक पयंबर सजदा। मैं इसी काफिले के साथ बिलाल साहब की खुशी तौर से नज़र कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाए भैया देखता रह गया हर एक पयंबर सजदा, सरकार की पुश्ते अकदस पा कोई दीन मुजस्सम तो नहीं, पुश्ते पुश्ते अकदस पा कोई दीन मुजस्सम तो नहीं, खत्म करता ही नहीं क्यों ये पयंबर सजदा।
पुष्टे अकदस्पा कोई दीन मुजस्सम तो नहीं खत्म करता ही नहीं क्यों ये पयंबर सजदा लाऊं मैं इस मकता भी सुन ले कि ताकते सबरे शहे कर्बो बला को फिर फरियाद से एक मिसा सानी समाज सुनवाएंगे खुशूतों से ताकत सबरे शहे कर्बो बला को खादिम दिले अयूबी करता है तड़प कर सजदा दिले अयूबी करता है हजरत मुलाजा फरमाए कि मिसा समात फरमाने और दो मतले हैं और दो अशार इस सिलसिले के जैसे दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है अजान भी हो चुकी है और सुशारा भी है मस्जिद तो इसलिए बस मतला जो है मैं तज़मीन उसके बाद दूसरा मतला उसी से रब्त में दो अशार पेश खिदमत किए दे रहा हूँ मिसा था कि तेरा जिहाद है इस्लाम की बका ज़ैनब मुलाजा फरमाए सरकारी मतला सुने ये राज शाम के दरबार में खुला ज़ैना दरबार में खुला ज़ैनब तेरा जिहाद है इस्लाम की बका ज़ैनब तेरा जिहाद है इस्लाम की बका ज़ैला फिर मतलब समाज फरमाएंगे दूसरा के आजाद का फर्श जो तूले बिछा दिया ज़ैला नतीजा सुनेंगे सारी मिसे में आजाद का फर्श जो तूले बिछा दिया ज़ैला दिलों में हो गई तामीर करबला ज़ैनब दिलों में हो गई तामीर करबला ज़ैनब दो अशर दिलों में हो गई तामीर करबला ज़ैनब और निकाले शाम में बिलाल साहब सुनिए कैसे निकाले शाम में यूं हक के रास्ते तूले सरकार सारी मिसा निकाले शाम में यूं हक के रास्ते तूले यजीद भूल गया अपना रास्ता ज़ैनब यजीद भूल गया अपना रास्ता ज़ैनब आखिरी शेर कि सदा ये आती है दुनिया के गोशे गोशे से न मिट सकेगी तेरे भाई की अज़ा ज़ैनब सकेगी
तेरे भाई की अदा ज़ैनब दिलों में हो गई तामीर करबला ज़ैनब।